जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र ग्राम हनोतिया के शिव मंदिर के पुजारी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है पिछले दो दिन पहले मंदिर की दान पेटी चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत शिव मंदिर के पुजारी 65 वर्षीय गोपाल मार्को ने थाने में की थी। वहीं जब मंगलवार सुबह गांव के लोग शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो मंदिर परिसर में पुजारी गोपाल मार्को खून से लथपथ जमीन में मृत अवस्था में पड़े हुए थे। घटना की सूचना गाँव में आग की तरह फैल गई। वहीं सूचना पर तत्काल मौके पर आला अधिकारी पुलिस दल बल के साथ पहुंच गए और FSL की टीम द्वारा पुजारी के शव की बारीकी से जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेरे पिताजी हैं और सुबह वो तो 24 घंटे वहीं रहते थे मंदिर में, रात में खाना खा के और आराम कर रहे थे। तो सुबह और भक्त लोग भी जाते हैं पूजा करने, तो 6 बजे करीब पूजा करने गए थे तो देखे कि ये इनके चेहरे पे चाकू से घाव हैं 4-5। फिर उन्होंने हमको खबर दी कि ऐसी ऐसी घटना है। फिर हम लोग जाके फिर वहाँ सभी भाई लोग गए, फिर जाके देखे तो मृत मिली हमें। तो उनको ऐसा लगता है 3-4 लोगों ने मिल के मारा है। अब हम लोग तो बहुत कम जाते थे, मुलाकात कम हो पाती थी पिताजी से, क्योंकि वहीं रहते थे 24 घंटे। वो घर आते थे सुबह शाम पूजा करने के लिए। हाँ, चोरी भी हुई थी और उनके जो जनेऊ पहनते थे, जो चाबी बांधे रहते थे अपनी रूम की बेटी की, तो वो चाबी भी चोरी हो गई और जेब में 1 रुपये भी नहीं थे, पैसे भी निकाल लिए हैं। नहीं, अब तक तो कह नहीं सकते, बाकी अब जो भी है तो पुलिस के माध्यम से जब जानकारी मिलेगी जब पता चलेगा अपन को। वहीं पुलिस का कहना है कि मंदिर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो थाना बरेला में ग्राम हिनोतिया में एक मंदिर है, शिव मंदिर गांव के बाहर, और ये रात को नहीं पूजा करता है। जो रिटायर्ड कर्मचारी है तो इसकी हत्या हुई है, इसकी 75 ईयर्स ओल्ड है, चाकू से गोद करके हत्या हुई है। तो अभी ये अभी अभी पूरी तरह ब्लाइंड है, इसके पूरे विस्तृत कारणों के अपन विवेचना करेंगे।